फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रिकेट से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले सुनना चाहते हैं और इस न्यू क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पे शुरू क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको इस चैनल पे आने का शुक्रिया और आप देख रहे हैं न्यू क्रिकेट्स। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 13 मई को IPL के कितने मैच और किन टीमों के दरमियान होंगे। तो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल न्यू क्रिकेट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि IPL का 13 मई को पहला मैच जो खेला जाएगा वो है सनराइज़र हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के दरमियान। चेन्नई सुपर किंग का ये मैच अहम होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं अब दूसरे मैच की, तो दूसरा मैच जो खेला जाएगा वो राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच नाइट खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे और दोस्तों, ये मैच इंडियन वक्त के मुताबिक ये मैच 8 बजे खेला जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि मैच किस ग्राउंड में खेला जाएगा, तो ये मैच मुंबई की ग्राउंड में खेला जाएगा। ये मैच मुंबई और राजस्थान रॉयल के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन अगर बात करें ये पॉइंट टेबल के लिहाज से कौन मैच जीत सकता है, तो दो ये मैच में किसी कुछ भी नहीं कह सकता कि ये मैच कौन जीत सकता है, क्योंकि दोनों टीमें ही बराबर जा रही हैं, क्योंकि दोनों ने अपने 11-11 मैच खेले हैं जिनमें से 5-5 मैच जीत चुकी है। राजस्थान 11 मैच खेली है और 5 जीती है और 10 पॉइंट के साथ है। लेकिन अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई ने भी 11 मैच खेले हैं और 5 जीती है। लेकिन अगर इन दोनों में से टीम मुंबई 5-3 और जीती है, अगर ये तीनों मैच जीती है तो मुंबई क्वालीफाई कर जाएगी। लेकिन अगर इनमें से दूसरी राजस्थान क्वालीफाई करना है तो उसको 3 मैच जीतने होंगे, तो फिर वो क्वालीफाई कर देगी। लेकिन देखते हैं ये तीनों मैच कौन जीता है। अगर ये मैच जीता है राजस्थान रॉयल तो राजस्थान के पॉइंट हो जाएंगे 12, लेकिन अगर जीता है मुंबई तो मुंबई के पॉइंट हो जाएंगे 12। लेकिन ये मैच दोनों के लिए अहम है, अगर दोनों को एक टीम को आगे तो जाना है और एक को पीछे आना है। लेकिन अगर ये जो आज की मैच टीम जीती है वो आगे जाएगी और जो हारती है वो पीछे आएगी। दोनों के लिए मैच अहम है। दोस्तों, यही है हमारी आज की वीडियो। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।